Welcome back to the channel. So, आज the puzzle of the day is shoe man whistle puzzle. आज हम इस puzzle को solve करेंगे. Puzzle को solve करने से पहले मैं आपको दो important चीज़ें बताना चाहूँगी कि किसी भी puzzle को solve करने के लिए हमें दो important चीज़ों का ध्यान रखना होता है. पहला, हम जब final equation solve करते हैं उसके लिए हमें उसके ऊपर दी गई हुई सारी equations को solve करना ज़रूरी है, क्योंकि all the equations present in the puzzle are interlinked. सारे इक्वेशन से कुछ आइटम्स की वैल्यू निकलती है जिसे हम दूसरे इक्वेशंस में पुट करते चलते हैं, एंड इन द एंड सारे वैल्यूज़ को जब हम फाइनल इक्वेशन में पुट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है. एंड सेकेंड, हमें सारे इक्वेशंस को बहुत ही ध्यान से देखना होता है, बिकॉज इन सारे इक्वेशंस में बहुत से हिडन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम इन हिडन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो सर, चलिए आइए पजल सॉल्व करते हैं. सो गोइंग ऑन टू द फर्स्ट इक्वेशन, हम देखेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन पे है पेयर ऑफ शूज. सो वी हैव गॉट थ्री पेयर ऑफ शूज जिनका सम इज इक्वल टू 30. सो ऑन सॉल्विंग इट, 3 इंटू पेयर ऑफ शू इक्वल टू 30, हमारे पास पेयर ऑफ शू की वैल्यू आ जाएगी. सो पेयर ऑफ द शू इज इक्वल टू 10. अगर हमारे पास पेयर ऑफ शू की वैल्यू आ गई है, सो हमें एक शू की भी वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा. सो अगर पेयर ऑफ शू की वैल्यू 10 है, तो हमारे एक शू की वैल्यू 5 हो जाएगी. नाउ जंपिंग ऑन द सेकेंड इक्वेशन, हम सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास है 1 पेयर ऑफ शू प्लस 2 मैन विद द विसल इन द नेक. हमें इसे बहुत ही ध्यान से देखना है. हमें यहाँ पे एक मैन दिख रहा है जिसके गले में एक विसल लटकी हुई है, प्लस 1 पेयर ऑफ शू भी है जिनका सम इज इक्वल टू 20. हमारे पास 1 पेयर ऑफ शू की वैल्यू थी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू मैन जिसके गले में विसल है. सो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैन की वैल्यू आ जाएगी विद द विसल इन द नेक, जिसकी वैल्यू होगी 5. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन का एंड. सो ऑन एंड ऑफ सेकेंड इक्वेशन वी हैव गॉट टू वैल्यूज. फर्स्ट, द पेयर ऑफ शू इज इक्वल टू 10 एंड अ मैन विद विसल इन द नेक इज इक्वल टू 5. Now jumping on the third equation. Third equation में हम देखेंगे हमारे पास एक मैन है जिसके गले में नेक है, प्लस देर आर 2 पेयर ऑफ विसल. हमने सेकेंड इक्वेशन से इस मैन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे. वैल्यू थी 5 जो हमने यहाँ पे पुट कर दी, इससे हमारी इस पेयर ऑफ विसल की वैल्यू निकल आएगी. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पेयर ऑफ विसल की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4. अगर 2 विसल की वैल्यू 4 है तो हमारी 1 विसल की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2. सो 1 विसल वैल्यू इज 2. और अगर हमारे पास इस विसल की वैल्यू है तो हम इस मैन की वैल्यू विदाउट विसल भी निकाल सकते हैं. सिंपली हमें इस मैन विथ विसल से इस विसल की वैल्यू को माइनस करना होगा. सो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. सो दिस इज एंड ऑफ थर्ड इक्वेशन. एंड ऑफ थर्ड इक्वेशन में वी हैव गॉट 3 वैल्यूज. पहला, 1 shoe is equal to 5, man without whistle is equal to 3, and 1 pair of whistle or 1 whistle is equal to 2. Now jumping on fourth and final equation. हम fourth and final equation को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है, because हमारी जो hidden elements होते हैं वो maximum time इसी equation में present होते हैं, that is our final equation. तो अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, so हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक single shoe है, पेयर ऑफ शू नहीं है, जो कि इसके ऊपर के सारे इक्वेशंस में पेयर्ड में थी. सो यहाँ पे एक सिंगल शू है. हम देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल विसल है, और यहाँ पे एक सिंगल मैन है जिसके गले में विसल नहीं है. सो अगर हमें याद होगा, हमने तीनों इक्वेशंस में इन तीनों की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है. सो हम ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, एंड देन द वैल्यू विच विल कम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू एड दैट वैल्यू विथ 5. Solved. Please, please, please like and share our video. And अगर आपको हमारे puzzle solve करने का method में कुछ problem लग रही है, so please write that down in our comment section, so that हम उसे आगे की हमारी videos में implement कर सकें और आपको अच्छा सा अच्छा video बना के दे सकें. Thank you so much.